नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं। ये हमारी वॉशिंग मशीन है। जब मैं इसको चालू करता हूं तो इस प्रोग्राम में एक्सप्रेस 15 पे यहीं पे मशीन आगे प्रोग्राम नहीं कर रही, मतलब इसी टाइम पे ये खड़ी है, बिल्कुल आगे नहीं चली। इसको हमें चलाए हुए करीब 20 मिनट हो गए। तो इसकी समस्या क्या, इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कमेंट करें। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम, चलो देखता हूँ इसकी प्रॉब्लम क्या है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि पानी आ रहा है वॉशिंग मशीन की नहीं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब पहले पीछे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे वाटर के पाइप लगा हुआ है। इसको यहाँ पर हम कनेक्टर को खोलेंगे, खोलने के देखते हैं कि यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा हुआ था, फ़िल्टर साफ़ है कि नहीं है। इस फिल्टर में कचरा है, इसको भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देंगे। साफ़ करने के बाद इसको फिर हम लगा देंगे। अब यहाँ तक तो देख लिया। अब दोस्तों, हम इसके बाद नीचे चेक करेंगे कि नीचे भी फ़िल्टर होता है क्या, फ़िल्टर में काई या कोई कचरा तो नहीं जम गया है जिसके कारण पानी ना जाता हो। वाल बंद है, अब इसको हम खोलेंगे। तो ये यहाँ पे पुश करें, पुश कर इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे तो ऊपर करते ही निकल जाएगा। अब निकलने के बाद पाइप को बाहर रखें और इसको खोलेंगे। खोल के इसको हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये बिल्कुल इसमें काई जम गई है। तो काई जमने के कारण ये वॉशिंग मशीन पानी नहीं ले रहा है। अगर पानी नहीं लेगा तो फिर वॉशिंग मशीन आगे अपना कार्यक्रम चालू नहीं करेगी, वहीं पर वो खड़ी रहेगी और प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसको हम, इस लोहे की जाली होती है, इसको हम निकाल के बिल्कुल क्लीन कर देंगे। इसमें हम पेंट डाल रहे हैं, पतला चीज़ हमारे पास नहीं। अब देखिए जाली, ये देखिए कितना कचरा जमा हुआ है। इस कचरे को बिल्कुल साफ करके क्लीन करके फिर चलाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये बीच में प्रोग्राम खड़ा हो जाता है पानी लेने के टाइम, या स्टार्टिंग में ही हो जाता है, अगर आगे प्रोग्राम नहीं बढ़ रहा है, तो समझ लो कि पानी की प्रॉब्लम है, पानी ना आने के कारण। तो आगे अपना जो टाइमिंग नहीं बढ़ाता है, बस वहीं पर मशीन खड़ी रहेगी, आधा घंटा भी बीत जाएगा तो आगे प्रोग्राम नहीं करेगा। तो इसी की समस्या है यह समस्या। जैसे ही हम फिल्टर साफ़ कर देंगे, फिर लगाएंगे, चलाएंगे, तो ये बिल्कुल वॉशिंग मशीन आपकी चल जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं पहले भी बनाया था, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आई थी, इसी के कारण दोबारा ये वीडियो बनाना पड़ा मुझे। कुछ लोगों ने कमेंट किया, सर आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में आवाज़ डाल के फिर से बना दिया हूँ और ये फ़िल्टर अंदर डाल दिया हूँ। अब इसको जहाँ लगा था वहीं पे टाइट कर देंगे। ये बिल्कुल टाइट कर दे रहा हूँ दोस्तों। अब टाइट करने के बाद ये पाइप भी ऊपर की तरफ खींच के फिर नीचे बैठा देंगे और ये बैठ गई। अब पानी को खोलेंगे। खोलने के बाद अब हम सीधा चलते हैं वॉशिंग मशीन पे। वॉशिंग मशीन को चला के देखता हूँ कि अब टाइमिंग चालू हो गई कि नहीं। तो दोस्तों, इसमें अब देखिए वॉशिंग मशीन पानी लेना शुरू कर दी है, पानी आना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, हमारी पूरी वीडियो प्रैक्टिकल करके ही बनाता हूँ। अब ऐसा बनाता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पुश करके स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट करने फिर देखेंगे। ये देखिए, और ये पानी आ गया, देखो यहाँ भी पानी आ रहा है, पानी लेना शुरू हो गया है। अब ड्रम के अंदर भी पानी आ गया है, अभी जस्ट सेकेंड बाद ड्रम भी घूमने लगेगा, अपना कार्य करना शुरू कर देगा। तो पानी ना आने के कारण ये समस्या आ गई थी, अब समस्या सॉल्व हो गई।
शुरू हो गई दोस्तों, वॉशिंग मशीन आपके बिल्कुल रेडी हो गई। अब बिल्कुल वॉशिंग मशीन आपकी चलने लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी। तो अगर दोस्तों आप बेल आइकन घंटी ना दबाए हो तो उसको भी दबा के रख दे, ताकि अगली वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल चल रही है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी कर सकते हो कि अगर वॉशिंग मशीन चलाने के बाद वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही है, या जो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा, टाइमिंग नहीं बढ़ रहा है, तो पानी ज़रूर चेक करें सर्फ से। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।